गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय क्लास, माय सेल्फ डॉक्टर रेनू। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम या कानूनी व्यवस्था की जो शाखाएं हैं, हमारे कानून की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि सबसे पहले आप लोगों की बुक आपके पास आ जानी चाहिए और ओपन करिए पेज नंबर 40। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, और उसके प्रीवियस वीडियो में उन्होंने पढ़ा जुडिशियरी क्या होती है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, उसमें मैंने बताया आपको कि थ्री ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो सबसे इंडिपेंडेंट होता है, और जुडिशरी के थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट, जो कि नेशनल लेवल पर होता है। फिर उससे नीचे जो कोर्ट होती है वो कहलाती है हाई कोर्ट, जो एवरी स्टेट में पाई जाती है। फिर उसके नीचे जो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और न्यायपालिका, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट और क्या बोलते हैं सिटी और पंचायत में पाई जाती है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। तो बच्चों मैं आज आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आप सर्च करके रखिएगा कि हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स पाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ मैं एक फैक्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी है, गुवाहाटी कहाँ है बच्चों? गुवाहाटी असम में है। तो हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी है वो कॉमन हाई कोर्ट है 7 स्टेट्स की, उन 7 स्टेट्स की जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड। इन 7 स्टेट्स की वो कॉमन हाई कोर्ट है। कौन सी हाई कोर्ट है? वो हाई कोर्ट ऑफ असम। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर टू ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। फर्स्ट है सिविल, सेकंड है क्रिमिनल। अब सिविल ब्रांच किसको बोलते हैं? सिविल ब्रांच उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें किस तरह के केसेस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। द केसेस दैट कंसर्न प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट्स डैमेजेस टू गुड्स इन ट्रांजिट बाय रेलवे और अदर ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड सिविल केसेस। इट मीन्स कि जो भी केस, ऐसे केस जो कि प्रॉपर्टी से, कॉन्टैक्ट से और सामानों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े होते हैं या रेलवे को नुकसान पहुंचाने से जुड़े होते हैं, वो सब केसेस क्या होते हैं? वो सिविल केसेस कहलाते हैं। सिविल केसेस कहलाते हैं। और सिविल केसेस का मेन फीचर क्या है कि इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये किसको डील करती है? किसी भी तरह की इंजरी या किसी भी तरीके के नुकसान को जो कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार को डैमेज करता है, उसको डील करती है। फॉर एग्जांपल लैंड डिस्प्यूट, किसी को आप दो लोगों के आपस में जमीन का झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स, सामानों को खरीदने को लेकर झगड़ा हो रहा है, रेंट मैटर मीन्स किराए के मैटर को लेकर, डाइवोर्स, ये सारे केसेस सिविल में आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है? ओनली द अफेक्टेड पार्टी कैन फाइल अ पिटीशन बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट। जो पार्टी इफेक्टेड होती है वो जा कर के पिटीशन या याचिका दाखिल करती है। सॉरी, इन अ रेंट मैटर इधर द लैंड लॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। और अगर रेंट या किराए का मैटर हो तो उसमें हाँ, मकान मालिक या किराएदार कोई भी एक केस कर सकता है। और जो कोर्ट रहती है वो स्पेसिफिक रिलीफ देती है। फॉर एग्जांपल कि कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है टेनेंट को, किराएदार को, कि वो बिल्डिंग को
खाली करे और जितना भी किराया बचा हुआ है वो मकान मालिक को दे। तो इट मींस जैसे केस जो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट डैमेज ऑफ गुड से रिलेटेड है वो कहलाते हैं सिविल केस। अब है क्रिमिनल या अपराधी वाले जो मुकदमे होते हैं, तो क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, ब्रांच क्या होती है, द लॉ रिलेटिंग टू द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इज नोन एज क्रिमिनल लॉ। ऐसा कानून जो कि उन अपराधों से रिलेटेड होता है जो कि समाज के खिलाफ किए जाते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ कहलाता है। केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का केस, रॉबरी, डकैती, फिजिकल इंजरी, किसी को मारना पीटना, और मर्डर आर कॉल्ड क्रिमिनल केस, और किसी की हत्या करना ये क्रिमिनल केस कहलाता है। और क्रिमिनल लॉ केस यूजली बिगिंस विद द लॉगिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस। क्रिमिनल लॉ केस है वो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसके लिए FIR करवानी पड़ती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन में जा करके आपको FIR करवानी पड़ती है, तभी जा करके ये क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम को और फिर ये केस जो है कोर्ट में जाता है। इफ़ द एक्यूज इज फाउंड गिल्टी ही शी कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। अगर जो अपराधी होता है अगर वो उसको लगता है कि वो अपनी गलती को मान लेता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से दो ब्रांचेज हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो अब हम लोग ने देख लिया कि सिविल और क्रिमिनल ब्रांचेस क्या होती हैं। आप बच्चों क्रिमिनल केस यूजली बिगिन हो गया, इसके बाद है एसेस टू कोर्ट, न्यू टॉपिक है एसेस टू कोर्ट। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लोगों को न्याय के लिए कितना कैसे न्याय मिलता है, कैसे न्याय, ये जो जस्टिफिकेशन है वो कैसे मिलता है, क्योंकि बच्चों आप तो जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पर गरीब बहुत है, पुअर्स बहुत है, तो उसके लिए और जो लीगल प्रोसेस है इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं और टाइम भी लगते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उनको बहुत लंबे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और केसेस भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल लाया, एक कैसा रूल लाया कि जो कहलाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, और इसको 1980 में लाया गया जब लोगों का एक संगठन था, उसने PIL हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की लोगों की ओर से। द प्रोसेस वॉज ऑल्सो मेड सिंपल एज द PIL कुड बी फिल्ड थ्रू अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द रेलेवेंट कोर्ट। PIL की जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, वो कैसे की जाती है, वो जो भी कोर्ट है जहाँ पे आपका मुकदमा रिलेटेड है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, लेटर डालना पड़ता है या टेलीग्राम देना पड़ता है। देयर आर मैनी पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द सोशल सेक्टर विच यूज PIL टू ब्रिंग जस्टिस टू पीपल हु ईदर कैन नॉट एसेस कोर्ट प्रॉपरली और हु कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट देयर सफरिंग ड्यू टू सोशल प्रेशर। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, किस लिए कि और वो PIL का यूज़ करके उन लोगों को न्याय दिलाते हैं जो कि नहीं पा रहे हैं न्याय, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनके अपोजिशन है उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते या उनके ऊपर सोशल प्रेशर या सामाजिक दबाव डलता है, तो ऐसे संगठन उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। द कोर्ट टेक्स PIL वेरी सीरियसली एंड वर्क ऑन ईच वन ऑफ देम टू ब्रिंग जस्टिस टू कोर्ट। कोर्ट जो होती है वो PIL को सीरियस लेती है और जो उनको न्याय दिलाने का काम होता है बहुत जल्दी और सीरियसली हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए होता है जो कि न्याय को नहीं पा रहे हैं जल्दी से, और 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बच्चों एक केस है जिसके थ्रू, एक एग्जांपल है केस का जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो PIL वॉज रिवाइज इन 1980 वेयर यू हो गया सॉरी इन नेम ऑफ द केस परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा और
इंडिया के बीच में केस चला। परमानंद कटारा वॉज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हु फिल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा जो थे वो मानव अधिकारवादी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL दाखिल की। ही रीड अ न्यूज़पेपर स्टोरी अबाउट अ पर्सन राइडिंग अ स्कूटर हु वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग कार। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी कि एक व्यक्ति जो कि स्कूटर चला रहा था और तेजी से चलती हुई कार के द्वारा उसको धक्का दे दिया गया या हिट कर दिया गया। द पर्सन वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल वेयर द डॉक्टर रिफ्यूज टू अटेंड हिम। तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। दे एडवाइज टू टेक हिम ऑन अनदर और उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा विच वॉज एट लीस्ट 20 किलोमीटर फॉर जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल से। एज दैट हॉस्पिटल टुक केसेज इन्वॉल्विंग लीगल इश्यूज क्योंकि हॉस्पिटल ने कहा कि इसमें कानूनी मामला बनता है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। द इंजर्ड पर्सन डाइड और जो व्यक्ति घायल था वो मर गया वाइल बींग ट्रांसपोर्टेड टू द अदर हॉस्पिटल जब उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। परमानंद कटारा फील्ड अ PIL अगेंस्ट द फाइल्ड PIL अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन दिस केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग जस्टिस फॉर मेडिको लीगल केसेज लाइक दीज दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन बट aren't given बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीगैलिटीज। तो परमानंद कटारा ने क्या किया फाइल किया PIL कहाँ पे किसके खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने किस लिए किया जिससे कि न्याय मिल सके मेडिको लीगल केसेस में चिकित्सकीय कानूनी केसेस में ऐसे केसेस जिनमें कि जो कि क्रिमिनल जिसमें कि लीगल कानूनी मैटर भी होता है और जिसमें व्यक्ति को तुरंत ही तुरंत क्या होती है मेडिकल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिससे कि लोगों को मेडिकल अटेंशन भी मिल सके लेकिन नहीं मिल पाता है क्योंकि उसमें बहुत सी कानूनी अड़चने होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ जजमेंट क्लियरिंग द ह्यूमन लाइफ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल डॉक्टर्स मस्ट इमीडिएटली ट्रीट द पेशेंट विदाउट वेटिंग फॉर द पुलिस फॉर्मेलिटीज टू गेट कम्प्लीटेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया जजमेंट दिया और ये क्लियर कर दिया कि मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए डॉक्टरों को क्या करना चाहिए वो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ट्रीट करना चाहिए ऐसे पेशेंट को विदाउट बिना किसी इंतजार के या पुलिस फॉर्मेलिटीज़ के पूरा हुए बिना ही उसको ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि जो न्याय है सुप्रीम कोर्ट है उसने न्याय दिया और इस तरह से लोगों को न्याय मिला। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों उन्होंने थी आगे सब गवर्नमेंट पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी पढ़ा ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम पढ़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ा। अब पेज नंबर 43 पे आ जाइए बच्चों। आई एम अ सिटीजन वन ऑफ द रीजन फॉर द डिले इन द कोर्ट्स फॉर टेकिंग अप केसेस इज बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन अवर कंट्री देयर बट वेरी फ्यू लॉयर्स एंड जजेस। ये हमारे देश में जो कोर्ट में अदालतों में मुकदमे में जो देर होती है उसका रीज़न ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जो लॉयर्स हैं वकील्स हैं वो जज हैं बहुत कम है। देयर आर केसेस पिलिंग अप डेली इन द कोर्ट्स एंड द लैक ऑफ जजेस एंड लॉयर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लीगल सिस्टम टू केटर टू ऑल द पीपल एज सून एज पॉसिबल। केस डेली क्या होता है कोर्ट्स में आते हैं लेकिन जजेस की कमी से और वकीलों की कमी से ये कठिन हो जाता है लीगल सिस्टम के लिए कि वो जल्दी से फैसला सुना सके। कभी कभी क्या होता है किसी जजमेंट को आने में कई साल लग जाते हैं जैसे अभी आपने देखा अभी एग्जांपल आपके सामने है राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला कितने 34 सालों बाद ये फैसला हुआ है कितने सालों बाद ये फैसला हुआ है। एज सिटीजन एंड यंग स्टूडेंट्स हु विल सून बी गोइंग आउट इन द वर्ल्ड टू बिकम समवन वी कैन थिंक अबाउट लॉ एज अ प्रोफेशन एंड गिव योर सर्विस टू द नेशन टू प्रोवाइड जस्टिस टू एवरीवन। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो यंगर बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए और लॉ को कानून को अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहिए जिससे वो अपने देश की सेवा कर सके और हर एक को न्याय दे सके। अब नेक्स्ट है टॉपिक बियॉन्ड अवर बॉर्डर्स मतलब हमारी सीमाओं के बाहर
दूसरे देशों में क्या हो रहा है। एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लीगल सिस्टम, हर एक देश का अपना अलग अलग कानूनी सिस्टम होता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलो अ सिस्टम ऑफ जूरी ट्रायल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैसे सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जूरी ट्रायल, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उनके ट्रायल को फॉलो किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम क्रिमिनल केसेस आर हर्ड एंड अ जूरी अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। इस सिस्टम में क्या होता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो किसके द्वारा सुने जाते हैं, जूरी के द्वारा। जूरी क्या होती है, JURY, जूरी क्या होती है, चुने हुए लोगों का एक समूह होती है, हु आर ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जो कि उस न्याय प्रणाली का एक अंग होते हैं। जैसे कि जजेस होते हैं, वकील होते हैं, तो वो चुने हुए होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्यूरीज फॉलोड इन USA। USA में अलग अलग तरह की ज्यूरीज पाई जाती है। अ ग्रैंड ज्यूरी जनरली कंसिस्ट ऑफ 16 to 23 पीपल, वाइल अ पिटेड ज्यूरी है 6 to 12 पीपल। ग्रैंड ज्यूरी जो बड़ी ज्यूरी होती है उसमें 16 से लेकर 23 लोग होते हैं, जबकि पिटेड ज्यूरी मीन्स छोटी ज्यूरी जो होती है वो उसमें 6 से 12 लोग होते हैं। देयर डिसीजन आर कॉल्ड वर्डिक्ट। उनका जो निर्णय होता है वो कैसा होता है, वो एक आपके लिए वरदान होता है। अ ग्रैंड ज्यूरी डिसाइड्स वेदर और नॉट देयर आर एम्पल एविडेंस टू पुट समवन ऑन ट्रायल व्हाइल इन द केस ऑफ पिटेड ज्यूरी। जो ग्रैंड ज्यूरी होती है वही डिसाइड करती है कि जो पेटिट ज्यूरी के यहाँ जो केस आए हैं उसमें सही एविडेंस को प्रस्तुत किया गया है कि नहीं। इट इज़ डिसाइडेड वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ये तो ग्रैंड ज्यूरी में होता है, और पेटिट ज्यूरी में ये डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति को अपने किए गए अपराध के लिए गिल्टी है कि नहीं, उसको शर्म है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा लीगल सिस्टम कैसे वर्क करता है और अदर कंट्रीज़ में क्या लीगल सिस्टम है। तो ये लीगल सिस्टम या जुडिशरी क्या होती है बेटा, हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर जुडिशरी ना हो तो क्या हो, हर एक के साथ न्याय ना मिल सके, जस्टिस ना मिल सके, और वो इंसान क्या होगा, बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसलिए जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए आपका एक और क्वेश्चन, मैंने इसके पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए कि हाउ मैनी कोर्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी जजेस आर फाउंड इन द सुप्रीम कोर्ट, या हाउ मैनी जजेस आर द मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, या उनके सुप्रीम कोर्ट के मेंबर कितने जज होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो बेटा आज आपका ये चैप्टर 5 खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।